जय हिंद। नमस्कार, मैं निर्माण कैंपस ऑफ एजुकेशन रिसर्च व ट्रेनिंग सुनाम से आज के इस सेशन में ईगो के सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम आप सबको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अपने घर पर अपनी अपनी जगह पर स्वस्थ होंगे और अच्छे से रह रहे होंगे। दोस्तों, जैसा आप सबको पता है कि पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में कोरोना की जो है तीसरी लहर आ चुकी है। ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है कोरोना का, वह अपना कहर मचा रहा है। इसके कारण हमें कोविड जो 19 प्रोटोकॉल है उसकी हमें पालना करनी अवश्य रूप से चाहिए और वह हमें करनी पड़ेगी। जैसा कि सरकार द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर द्वारा हमें डायरेक्शन दी गई है, हमें समय समय पर जो है जो कोविड गाइडलाइंस है उनका पालन करना पड़ेगा। हमें मास्क लगा कर रखना पड़ेगा और समय समय पर जो हाथों को सैनिटाइज करना पड़ेगा, वॉश करना पड़ेगा, और 2 गज की दूरी को जो अगर हम किसी पब्लिक प्लेस पर जाते हैं अपना कर रखना पड़ेगा। इन गाइडलाइंस के कारण ही जो कोरोना की जो महामारी की जो तीसरी लहर आई है उसके कारण इग्नो द्वारा जो 20 जनवरी 2022 से दिसंबर 21 की टर्म एंड एग्जामिनेशन आरंभ होने थे उन्हें पोस्टपोन कर दिया गया है। तो हमारे पास लगातार विद्यार्थियों के फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, अलग अलग क्वेरीज आ रही हैं। तो मेरा सबसे निवेदन है कि अब व्यक्तिगत रूप से कैंपस या सेंटर पर संपर्क करने का कष्ट मत करें। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप व्यक्तिगत रूप से आते हैं, कोई अवश्य कारण है तो ही आप कैंपस पर जो आपको सपोर्ट करने के लिए कोई स्टाफ सदस्य अभी अवेलेबल है उनसे संपर्क करें। अदरवाइज आप हमारी जो वेबसाइट है, जो इग्नो की वेबसाइट है, जहाँ निर्माण कैंपस की वेबसाइट है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा। आप सबको पता ही है कि निर्माण कैंपस की वेबसाइट है www.nirmankampus.co.in और इग्नो की है www.igno.ac.in। इस पर जो आगे का नोटिफिकेशन है उस संबंधी जानकारी दी जाएगी कि आपकी परीक्षाएं कब आरंभ होंगी, क्योंकि ये रद्द नहीं हुई है, पोस्टपोन हुई है। पोस्टपोन का मतलब स्थगित की गई है, कुछ समय के बाद होंगी। जैसा कि ये आपको बहुत दिन पहले बता दिया गया था कि 20 जनवरी से यह परीक्षाएं शुरू होंगी और 22 फरवरी तक यह परीक्षाएं चलने वाली थी, लेकिन कोरोना के कारण इन परीक्षाओं को जो है स्थगित कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया, ना कि रद्द किया गया। आप इस बात को ध्यान में रखिए। लेकिन वो परीक्षाएं अब कब होंगी उस संबंधी जो नोटिफिकेशन है वो यूनिवर्सिटी द्वारा, इग्नो द्वारा जारी किया जाएगा और कम से कम परीक्षाएं शुरू होने से 15 दिन पहले यह नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि एकदम से यह नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, बल्कि कम से कम 15 दिन पहले आपको इस संबंधी सूचना मिल जाएगी। तो आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, अपनी पढ़ाई में कंटिन्यू, उस पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए ताकि आपकी पढ़ाई में कोई विघ्न ना पड़े। तो दोस्तों, यह तो थी परीक्षा की बात। अब हम बात करेंगे जनवरी सेशन की एडमिशंस को लेकर। जनवरी सेशन जो 2022 है उसकी एडमिशन शुरू हो चुकी है। इग्नो की वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मेरे लिए यह खुशी की बात है कि भारत सरकार द्वारा स्थापित इग्नो की जो यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा जो हमारा अध्ययन केंद्र था सुनाम में निर्माण कैंपस में, एक तो उसका कोड चेंज कर दिया गया है। पहले जो हमारा अध्ययन केंद्र था उसका कोड था 2281, अब उसका नया कोड हो गया 2299। तो अब इस बात को याद रखिएगा। दूसरी बात यह है कि इस सेंटर पर अब बहुत सारे नए कोर्सेज शुरू हो गए हैं, बहुत सारे नए कोर्सेज, जिसमें कि जैसे कि मैं बात करूं मास्टर डिग्री की, तो मास्टर डिग्री में हमारे पास शुरू हो चुका है एमए साइकोलॉजी, ठीक है, एमए मनोविज्ञान शुरू हो चुका है, एमए राजनीति शास्त्र शुरू हो चुकी है, एमए हिस्ट्री शुरू हो चुकी है, एमए पब्लिक एडमिन शुरू हो चुकी है, एमए सोशियोलॉजी शुरू हो चुकी है, एमए इकोनॉमिक्स शुरू हो चुकी है। कहने का अर्थ है कि बहुत सारे नए कोर्स शुरू हो चुके हैं और बहुत सारे नए कोर्स ऐसे हैं जो पाइपलाइन में हैं, बहुत जल्दी उन्हें भी शुरू कर दिया जाएगा। जैसे कि एमए रूरल डेवलपमेंट की मैं बात करूं, एमसीए की बात करूं, पीजीडीसी की बात करूं, पीजीडीआईएस की बात करूं, बीसीए की बात करूं, बीकॉम की बात करूं, तो बहुत सारे कोर्सेज हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि जो इग्नो के महत्वपूर्ण प्रोफेसर
प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जिनकी बहुत डिमांड है, जो बच्चे करना चाह रहे हैं, उन कोर्सेज को निर्माण कैंपस में आरंभ कर दिया जाए। इग्नू को हमने ऐसा निवेदन किया है, अलग अलग हमने प्रपोजल इग्नू को भेज रखे हैं और आशा करते हैं कि वो जो जनवरी वाइज सेशन है उसमें जो अन्य कोर्सेज अभी पाइपलाइन में हैं, जो अंडर कंसिडरेशन है, उनको भी इग्नू हमारे जो अध्ययन केंद्र है निर्माण कैंपस में वो शुरू कर देगी। हमारा दोस्तों प्रयास है कि जो निर्माण कैंपस ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों की, जो पंजाब और हरियाणा के विद्यार्थी हैं, उनकी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। अभी तक लगभग 5000 के लगभग विद्यार्थी हमारे कैंपस में इनरोल्ड हुए हैं और यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम इग्नू के माध्यम से अपने देश के नौजवानों को, ग्रामीण जो वातावरण में रहने वाले विद्यार्थी हैं जिनके पास शिक्षा के, उच्च शिक्षा के बहुत कम अवसर हैं, हम उन तक शिक्षा की पहुंच कर पा रहे हैं और देश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि इग्नू में बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जो आपकी स्किल डेवलपमेंट करते हैं, आपके कौशल को निखारते हैं, जिन्हें आप अपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास है CIT सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसी प्रकार से CCIST के जो कम्युनिकेशन स्किल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित कोर्स है। ऐसे ही हमारे पास पंजाब के जो किसान भाई हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, जो कृषि परिवारों से संबंधित हैं, फार्मर फैमिली से संबंधित हैं, सर्टिफिकेट इन ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारे पास जो है आरम्भ हो चुका है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण कोर्स है दोस्तों, ये 6 महीने का कोर्स है। तो इससे आपको, देखो पंजाब में हमारी मजबूरी रही है कि हम जो अलग अलग जो कीटनाशक हैं या रासायनिक पदार्थ हैं उनका बहुत प्रयोग हो रहा है, तो अगर हमें आने वाली पीढ़ियों को बचाना है तो हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ना होगा, तभी हम खुद स्वस्थ रह पाएंगे और हमारे परिवार स्वस्थ रह पाएंगे और आने वाली जनरेशन्स स्वस्थ रह पाएंगी। तो सर्टिफिकेट इन ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है इग्नू द्वारा इस कैंपस में शुरू किया जा चुका है। उसी प्रकार से बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, जैसे कि आप बात कर सकते हैं सर्टिफिकेट इन, मैं बात करूँ फैमिली एजुकेशन एंड HIV, ऐसा कोर्सेज हमारे पास शुरू हुआ है। उसी प्रकार से हम डिप्लोमा की बात कर सकते हैं, डिप्लोमा इन क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश आरम्भ हो चुका है। अगले हमारे पास डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन जैसे महत्वपूर्ण कोर्स, या DEC जो कि बहुत पॉपुलर कोर्स है पंजाब में, जिसमें हजारों विद्यार्थी हर वर्ष एडमिशन ले रहे हैं, जिसे हम डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन कहते हैं। ऐसे कोर्सेज हमारे पास ऑलरेडी चल रहे थे। उसी प्रकार से ग्रेजुएशन लेवल पर हमारे पास BA इन सोशल वर्क बहुत महत्वपूर्ण कोर्स है, MA इन सोशल वर्क, ये कोर्स ऑलरेडी हमारे पास चल रहे थे, MCOM का कोर्स हमारे पास ऑलरेडी चल रहा था। तो कहने का अर्थ है कि हम आप लोगों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए, आप लोगों की एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए, हमारे द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि आप लोगों को हाई क्लास एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके, वो भी आपके घर के द्वार पर। तो दोस्तों मेरा आज आपसे इतना ही निवेदन है कि आप कोविड के चलते हुए अपना बचाव रखें, अपनी जो असाइनमेंट्स हैं अगर आपने नहीं जमा करवाई तो 15 जनवरी तक उन असाइनमेंट्स को जमा करवाने के लिए यूनिवर्सिटी द्वारा डेट एक्सटेंड की गई है, और जो एग्जामिनेशन से अगली डेट है वो जल्दी ही आप लोगों को बता दी जाएगी। लेकिन आप इसके लिए बार बार कॉलिंग करने की बजाय, क्योंकि हजारों बच्चों की कॉलिंग का जवाब देना हर समय संभव नहीं है, तो हमारी वेबसाइट पर भी और इग्नू की वेबसाइट पर भी हमने ये सारी इन्फॉर्मेशन डाल रखी है। देखिए आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से, जो हमारा निर्माण कैंपस का यूट्यूब चैनल है उसके माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ, फिर टेलीग्राम का चैनल है उसके माध्यम से, फिर निर्माण कैंपस का फेसबुक पेज है, तो जितने भी सोशल मीडिया के चैनल हैं मैं उनके माध्यम से हम प्रयास कर रहे हैं कि हम आपसे जुड़े रहें। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप जल्दी ही सारा का सारा जो है इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप अपनी पढ़ाई को आरंभ करेंगे। तो मैं अपने कैमरामैन को कह रहा हूँ कि आकर इस वीडियो को पोस्ट कर दीजिएगा। मेरी आप सब लोगों से शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, जय हिंद।